हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी ऑन हाउ आई ऑर्गेनाइज्ड माय हॉस्टल रूम। आज संडे था, पूरे हॉस्टल की सफाई हो रही थी तो मैंने भी अपने रूम की सफाई करवाई एंड आई मस्ट से दोनों आंटियों ने मिलके बहुत अच्छे से चमकाया हमारे रूम को। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये है हमारा वॉशरूम एंड दिस इज़ आवर रूम जो हमको अलॉट हुआ था। दिस इज़ हाउ इट वॉज बिफोर। वो राइट वाला साइड मेरा है एंड दिस साइड इज़ माई रूम मेट साइड। एज़ यू कैन सी, हमारे थोड़े बहुत सामान यहाँ रखे हुए हैं। ओके, मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ करी है ना इन ऑर्गेनाइजिंग माय रूम, इसकी सारी डिटेल मैं एक सेपरेट वीडियो में बना के डाल दूँगी। यहाँ पर कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है ऑफकोर्स, ये सारी चीज़ें मैंने खुद ली है। कुछ मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है, कुछ चीज़ें मैंने खुद से बनाई हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने ऑनलाइन स्टोर से ली है। तो ईच एंड एवरी डिटेल आई विल प्रोवाइड इन अ सेपरेट वीडियो एंड आई होप दैट वुड बी हेल्पफुल। आज पता नहीं कैसे लाइट बिल्कुल ही ढंग से फोकस नहीं कर रही थी। कोई शूट कर देता है तो थोड़ा ठीक रहता है, बट जब खुद से ट्राइपॉड लगा के शूट करना पड़ता है तो पीछे क्या हो रहा है उसका बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता है। बट एनीवेज, बहुत बार सेट करने के बाद एटलीस्ट ये थोड़ा फोकस किया। तो मैंने एक एक करके ये सारे मोटिवेशनल कोट्स अपने वॉल पर लगाए। ये कोट्स मैंने खुद से लिखे हैं यूजिंग एक्रेलिक कलर एंड पेंट ब्रश, और ये कुछ ऐसे रैंडम कोट्स थे जो मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने इसे स्टिक किया वॉल पे। और इसके पीछे मैंने लगाया था थर्माकोल ताकि ये थोड़ा सा ऐसे वॉल पे उभरा हुआ सा इफ़ेक्ट दे और एकदम वॉल पे चिपक सा ना जाए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस फिर मैंने ऐसे लाइट्स लगाई और उसके ऊपर लीव्स रोल करती गई, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आ गया था लीव्स पर भी, एज़ यू कैन सी। This is how it turned out after lighting. ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, I just cannot tell ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। I cannot take help of anyone, मुझे सब खुद से ही करना है because you know it's summer vacation और almost आधे से ज़्यादा आधे से ज़्यादा कॉलेज अपने घर जा चुका है including my friends too, so I cannot take help of anyone. मैंने एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ रुकने का सोचा था ताकि मैं अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट कर पाऊँ, जो कि मुझे बहुत लॉन्ग टाइम से करना था। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड कॉन्स्टेंट एग्जाम्स मैं ये नहीं कर पा रही थी, बट नाउ दैट आई फाइनली गॉट टाइम तो मैंने जल्दी जल्दी से इसे किया। और मुझे कल घर के लिए भी निकलना था तो मुझे जैसे समझ में आया मैंने इसे वैसे असेंबल कर दिया और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बिछाई मेरी ये बेडशीट। ओह माय गॉड, इस लैवेंडर बेडशीट को ढूंढने में मुझे इतना टाइम लग गया था। मुझे पता नहीं क्या क्रेज़ चढ़ा था कि मुझे प्रॉपर लैवेंडर कलर की प्लेन बेडशीट चाहिए, जो कि मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। बट फिर समहाउ माय फादर हैज़ मैनेज्ड, उन्होंने हर पॉसिबल दुकान दिखा दी मुझे, तो फाइनली मुझे लैवेंडर बेडशीट मिली। आई गॉट इट यू नो फ्रॉम अ हब ऑफ बेड शीट्स, पता नहीं क्या ही क्रेज चढ़ा था, बट हाँ ये मुझे बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। और मुझे इसके साथ सेम ऐसी इसकी थोड़ी कॉन्ट्रास्ट में एक कुशन भी बनानी थी। सो फाइनली जैसा मैंने सोचा था वैसा ये डेकोरेट हो गया था। जैसा सोचा होता है वैसा कहाँ होता है, बट दिस टाइम आई विल से कि हाँ ये हो गया था। मुझे इतना पापड़ बेलने के बाद फाइनली ये बेड शीट मिल गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये आई थिंक अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये तीन पेंगुइन का सेट आया था। मैंने इसको बेड के ऊपर एक ही लगाया था क्योंकि मुझे एक ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ऐसे। फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूट हैंगर मैंने यहाँ पे हैंग किया मेरा स्टेथोस्कोप मेरी टेबल के जस्ट सामने ऐसे। सो या दैट इज़ हाउ इट टर्नड आउट। इट टर्नड आउट सुपर सुपर ब्यूटिफुल। मुझे शुरू से ही ऐसा एक कॉर्नर क्रिएट करना था अपने रूम में दैट शुड अट्रैक्ट मी टू स्टडी एंड फाइनली इट टर्नड आउट सुपर कैची एंड ब्यूटिफुल। आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स। 3, 2, 1 Thank you so much for watching the video and do not forget to like, share and subscribe to my channel for more upcoming vlogs.